आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का तीसरा टॉपिक करेंगे। तीसरा टॉपिक यानी एक्सरसाइज तीसरी है, टेंजेंट एंड नॉर्मल, और उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चंस भी करके देखते हैं। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल समझने से पहले हमें जो क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन पढ़ा हुआ है उसके टॉपिक क्लियर होने चाहिए, यानी उसमें इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस, स्लोप, वो सारी हमने चीज़ें पढ़ी हुई थी, वो सारी हमें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो उसे हम क्या करते हैं, रिवाइज़ करते हुए चलते हैं। स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, वो देखते हैं। फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ अ लाइन कैसे निकाली जाती है किसी स्ट्रेट लाइन की। उसके बाद हम बात करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल की, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन इसे हम डिनोट करते थे स्मॉल एम से, स्मॉल एम से। स्लोप ऑफ अ लाइन क्या कहता था, अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और वो इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इंक्लाइंड कहने का मतलब किस झुकाव पे है, ठीक है, इंक्लाइंड है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे। तो ये जो थीटा होता था यहाँ पे, थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम क्या करते थे, इसे मेजर करते थे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो थीटा निकल के आएगा, इसे हम क्या रखते थे, टेंजेंट निकालते थे इसका, टेन थीटा। यही हमारा क्या होता था, स्लोप होता था। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या बोलेंगे हम, एम होंगे। कहने का मतलब है, सपोज दैट ये क्या है, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इंक्लाइंड है एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे। सपोज दैट हमने ये लेट किया, ठीक है, 45 डिग्री पे ये जो स्ट्रेट लाइन है वो इंक्लाइंड कर रही है एक्स एक्सिस पे विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव का तो समझते ही होंगे मतलब, यानी कि ये जो स्ट्रेट लाइन बनाई है मैंने, इसने एक्स एक्सिस को क्या करा, इधर वाली लाइन, इधर वाला पार्ट, यानी कि अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट से इस ये स्ट्रेट लाइन ने जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट किया है, यहाँ से अगर इस तरफ को जाऊँ तो ये क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन, और इस साइड को क्या रहेगी, नेगेटिव डायरेक्शन रहेगी। तो जब हम जो लाइन रहती है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे इंक्लाइंड है और हम मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज एंगल, तब हमें क्या मिलता है, स्लोप मिलता है। अगर मैं इसी लाइन की बात करूं जो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और हम थीटा कैसे मेजर कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, देन स्लोप कैसे निकलेगा, टेन 45 रख देंगे यहाँ पे, 45 डिग्री इज इक्वल टू एम, और टेन 45 हमें पता है कितना होता है, 1 होता है। तो इस लाइन का, ये जो भी लाइन है, एग्जाम्पल लिया हुआ है हमने जस्ट, ये जो भी लाइन है इसका स्लोप कितना होगा, एम इज इक्वल टू 1 होगा। स्मॉल एम से हम क्या कर देते थे, इसे डिनोट कर देते थे। तो ये तो था किसका, स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता था। तो थोड़ा सा क्या हो गया होगा, रिवाइज हो गया होगा, हमारे पास क्या था, टेन थीटा इज इक्वल्स टू एम, ठीक है। इसके बाद हमें तो जो देखना है, ये सबसे पहला पॉइंट हो गया क्या, स्लोप ऑफ अ लाइन। इसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास, अगर कोई दो लाइन पैरेलल है, अगर दो लाइन पैरेलल है, सपोज दैट एक और मैंने लाइन बनाई, ये हो गया मेरे पास एक पहली लाइन और ये हो गई दूसरी लाइन, ये क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रहे, किसी ना किसी एंगल पे हैं, ठीक है। और मैंने ये लेट किया है क्या, कि ये जो लाइन है ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ठीक है, और थीटा भी इनके क्या है, सेम ही होंगे, ठीक है, क्योंकि पैरेलल है तो थीटा भी क्या होंगे, यानी इंक्लिनेशन क्या होगा, एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होगा। और इसका अगर हम स्लोप निकालेंगे, इंक्लिनेशन क्या होगा, सॉरी, इंक्लिनेशन इनका क्या होगा, सेम होगा, एंगल जो होगा सेम होगा, तो इनके जो स्लोप आएंगे वो भी क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। सपोज दैट इसका 10 मैंने निकाला, इसका थीटा इज इक्वल टू 45 लेट कर लेते हैं इसे भी, तो ये थीटा भी कितना होगा, 45 डिग्री ही होगा, क्योंकि लाइन क्या है, पैरेलल है, तो इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के साथ, यानी जो एंगल होगा वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर इसका स्लोप निकालेंगे, सपोज दैट इसका स्लोप कितना है, एम वन है, वो कितना निकलेगा, 1 ही निकलेगा, 10 45, एम वन कितना निकलेगा, 1 निकलेगा, और एम टू इसका भी कितना निकलेगा, 1 ही निकलेगा। कहने का मतलब है, ये चीज़ पढ़ी भी होगी, ये कंडीशन होती है, एम वन इज इक्वल टू एम टू सिर्फ तभी पॉसिबल है जब दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी, यानी कि इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल फॉर पैरेलल लाइन्स। ये जस्ट हम रिविजन कर रहे हैं, डिटेल में नहीं जा रहे हैं ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि क्लास 11th हम ये पढ़ चुके हैं। तो एम वन इज इक्वल टू एम टू, इसके बाद हमारे पास तीसरी कंडीशन आती थी, एम वन एम टू इज इक्वल टू -1, ये होती थी जब दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, फॉर परपेंडिकुलर लाइन्स, यानी कि अगर हमारे पास कोई
एक्स वाई प्लेन में कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट किया करें 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर है आपस में, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, इज इक्वल्स टू -1 होता है। तो एक और चीज़ निकल के आती है यहाँ पे, अगर सपोज दैट स्लोप क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, यानी कहने का मतलब है अगर कोई लाइन, स्लोप नहीं, अगर कोई लाइन पैरेलल टू क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है, वाई एक्सिस भी नहीं, वाई एक्सिस अभी कंसिडर करेंगे, पहले क्या कंसिडर करते हैं, अगर कोई लाइन मेरे पास क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो यानी कि इसका जो इंक्लिनेशन है यानी कि जो थीटा है एक्स एक्सिस के साथ वो कितना है, 0 डिग्री है, ठीक है, यानी कि इसको चौथा पॉइंट मानेंगे, फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। अगर मैं इसका स्लोप पूछूं, एम इज इक्वल्स टू कितना होगा, टेन जीरो डिग्री, और टेन जीरो हमें पता है कितना होता है, 0, यानी कि ऐसी लाइन जो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, कोई भी लाइन, जो भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, अगर उसका स्लोप पूछा जाएगा वो ऑलवेज क्या होगा, 0, ठीक है, 0, क्योंकि वो क्या कर रहा है, जो थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ वो क्या है, 0 डिग्री का है, ठीक होगा। इसके बाद अगर सपोज दैट ये मेरे पास लाइन है, ये जस्ट एग्जांपल से समझ रहे हैं हम, इसलिए एक ही फिगर में मैं सारे लाइंस बना दे रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस के, अभी तक का हमने क्या लिया, एक्स एक्सिस के पैरेलल, अब हमने क्या लिया, वाई एक्सिस के पैरेलल, तो यहाँ पे देखो थीटा क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है, थीटा क्या है, 90 डिग्री है, तो यहाँ से फिफ्थ पॉइंट आएगा, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और मैं अगर इस लाइन का स्लोप निकालूंगा, यानी कि 1090 कितना होगा, 1090 की वैल्यू हमें पता है क्या, नॉट डिफाइंड रहती है, इन्फिनिटी, तो ये इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, इनफाइनाइट, यानी कि नॉट डिफाइंड, यानी कि इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो अगर कोई लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस के, तो इसका स्लोप क्या जाएगा, इनफाइनाइट जाएगा, ठीक है, नॉट डिफाइंड। तो ये तो था कुछ पार्ट 11th का, इसके बाद थोड़ा सा और है, इसके बाद हम बात करेंगे इक्वेशन, सबसे मेन क्या है, इक्वेशन की, ठीक है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालना, अगर वो स्ट्रेट लाइन किसी पर्टिकुलर पॉइंट से क्या कर रही है, पास कर रही है, तो एक वो चीज़ हम रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम शुरू करते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो तब तक इसे नोट करें। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट की हम इक्वेशन देख लेते हैं, ठीक है, ये भी हमने 11th में पढ़ी हुई है। सपोज दैट ये क्या है, मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है जो कि x1, y1 पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, और जिसका स्लोप हमें क्या है, पता है, स्लोप क्या है, पता है, और इसका स्लोप हम लेट कर लेते हैं m, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन पूछेगा, तो वो क्या होती है, और इसे हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, ठीक है। फिर इसके बाद एक और इक्वेशन होती थी जिसमें टू पॉइंट गिवन होते थे, ठीक है, वो करना टेंजेंट एंड नॉर्मल के लिए ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी उसे भी देख लेंगे। तो ये इसकी इक्वेशन क्या होती है, y-y1 इज इक्वल्स टू m, इसका हमने स्लोप क्या लेट किया है, m किया है, x-x1। तो ये क्या होती है, इसकी इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, m x-x1, ठीक है। इसके बाद सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, अगर सेकेंड इक्वेशन सपोज दैट ये क्या होती, दो लाइन से पास हो रही होती, ठीक है, इसको भी लेट कर लेते हैं x2, y2, और इसका हमें क्या है, स्लोप गिवन नहीं है, यानी कि इसका हमें स्लोप नहीं पता है। ये जो दूसरी इक्वेशन बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, ठीक है, और इसमें हमें स्लोप गिवन नहीं होता है। तो इसकी इक्वेशन होती है y-y1 इज इक्वल्स टू y2-y1 अपॉन x2-x1 x-x1, यानी कि जो m था इसकी जगह पे क्या आ जाता है, y2-y1 अपॉन x2-x1। अब ये कैसे आता है ये देखते हैं। देखिए स्लोप अभी तक का हमने क्या देखा, m इज इक्वल्स टू 10 थीटा, ठीक है, ये क्या होता है, स्लोप ऑफ अ लाइन होता है। ये तब निकाल पाएंगे हम जब क्या होगा, हमें थीटा पता होगा, ठीक है। अब उस केस में, उस केस की बात करते हैं जिसमें हमें थीटा नहीं पता है, तो उसका स्लोप कैसे निकाला जाता है, ठीक है, उसका भी फॉर्मूला था, कहाँ, 11th में पढ़ा हुआ है। यही लाइन की बात कर लेते हैं, ठीक है, इसी लाइन की जो मैंने इस इक्वेशन के लिए कंसीडर करी है, जिसमें मेरे पास क्या है, सिर्फ दो पॉइंट गिवन है और मुझे थीटा नहीं पता था, तो फिर भी मैंने इसका स्लोप क्या लिखा, m इज इक्वल्स टू इतना लिखा है, ठीक है। अब ये कैसे लिखा है, इसका फॉर्मूला होता है क्या कि हमें क्या निकालना होता है, स्लोप ऑफ अ लाइन, एक लाइन का स्लोप निकालना है जिसके हमें सिर्फ क्या पता है, दो कोऑर्डिनेट पता है, ठीक है। ये जो लाइन है इसके सिर्फ हमें क्या पता थे, दो कोऑर्डिनेट पता थे, इसका हम क्या निकाल रहे हैं, m निकाल रहे हैं। तो इसके लिए होता है y2-y1 अपॉन x2-x1, यही क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, और वही हमने यहाँ पे पुट करा था। ये थी इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, ये है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट।
ठीक है। और इस इक्वेशन में हमें m पता होगा, स्लोप पता होगा, यानी कि m इजिकल्स टू 10 थीटा की मदद से निकलेगा, ठीक है। m इजिकल्स टू 10 थीटा की मदद से निकलेगा। इस वाले में हमें m नहीं पता होगा, कहने का मतलब है इसमें थीटा नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ दो कोऑर्डिनेट होंगे और हम क्या करेंगे, इस तरीके से स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप निकालने के दो तरीके, एक ये और एक ये। जब हमें क्या पता है, थीटा पता है, तब इस तरह ये तरीका, और जब हमें थीटा नहीं पता है, सिर्फ दो कोऑर्डिनेट पता है, तब ये तरीका, ठीक है। तो इसके लिए जो स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या सीख लिया, ये वाली रिवाइज कर दी, और ये इक्वेशन मेन है इस टॉपिक के लिए, टेंजेंट एंड नॉर्मल कवर करने के लिए। तो इसे नोट करें, इसके बाद हम सीधे टेंजेंट एंड नॉर्मल शुरू करते हैं। अब हम देखेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल एक्चुअल में, सबसे पहले ये देखेंगे कि होते क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करेंगे कि हमें जो क्लास 12th में पढ़ना है वो पढ़ना क्या है इनके बारे में। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होता है, अगर मेरे पास कोई कर्व है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके का कर्व, अगर उस कर्व में किसी पॉइंट से टच करते हुए क्या जा रही है, एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है। सपोज दैट वो पॉइंट क्या है, x1, y1, ठीक हो गया। मैंने क्या लिया, एक कर्व लिया है, y इज इक्वल्स टू कुछ भी ले लेते हैं, fx ले लेते हैं, ठीक है, यही जनरल तरीका है, y इज इक्वल्स टू fx लेते हैं। ये कर्व की क्या इक्वेशन लेट करिए जनरल में। तो इस कर्व में कोई पॉइंट है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उस पॉइंट से क्या हो रही है, एक स्ट्रेट लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही है। तो ये क्या होगा, ये जो लाइन पास हुई है, यही क्या होता है, टेंजेंट होता है, यही हमें पढ़ना है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो हम इसे क्या कहेंगे, टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन, ठीक है। अगर हमारे पास कोई कर्व है, उसमें कोई पॉइंट है, और उस पर्टिकुलर पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, तो वो क्या कहलाता है, टेंजेंट लाइन कहलाती है। टेंजेंट यही होता है, टेंजेंट और कुछ नहीं होता है। टेंजेंट हम किसे बोलते हैं, एक पर्टिकुलर लाइन को बोलते हैं, जो किसी कर्व से किसी पर्टिकुलर पॉइंट से क्या हो रही होती है, पास हो रही होती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नॉर्मल लाइन क्या होती है। फिर नॉर्मल लाइन भी क्या होता है, अगर ये हमारे पास क्या टेंजेंट है, तो नॉर्मल भी क्या होगा, इसी पॉइंट से पास होगा, यानी x1 y1 से पास होगा, और परपेंडिकुलर रहेगा किसके, टेंजेंट के, ठीक है। और इस बात का ध्यान रहे, इसी सेम पॉइंट से पास होगा जहां से टेंजेंट पास हो रहा था, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, नॉर्मल लाइन। तो टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन हमने पढ़ लिया। टेंजेंट एंड नॉर्मल सिर्फ नहीं है, सिर्फ एक क्या है, स्ट्रेट लाइंस है। और हमने जो क्लास 12th में पढ़ना है वो क्या पढ़नी है, इक्वेशंस पढ़नी है इन्हीं की, यानी कि इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल लाइन। तो सबसे पहले देखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, टेंजेंट की हम सबसे पहले इक्वेशन देख लेते हैं। तो थोड़ी देर के लिए नॉर्मल को हम हटा देते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास क्या आया, टेंजेंट लाइन आई है, ठीक है। टेंजेंट किसी पॉइंट पे, और वो पॉइंट क्या है, x1, y1 है। अब देखिए टेंजेंट एक्चुअल में क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। और अभी अभी हमने इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन्स पढ़ी हुई है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पढ़ी। सबसे पहली वाली कौन सी थी, y-y1 इज इक्वल्स टू mx-x1, ठीक है। यानी कि अगर कोई लाइन, स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही है, x1 y1 से पास हो रही है, और जिसका स्लोप m है, तो उसकी इक्वेशन कैसे निकाली जाती है, इसी तरीके से निकाली जाती है, ठीक है। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस टेंजेंट की भी इक्वेशन निकालेंगे, क्योंकि टेंजेंट है क्या, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यह है नहीं स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन क्या हो रही है, अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो क्या कर रही है, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से क्या जा रही है, जा तो रही है, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रही है, एंगल बना रही है, थीटा बना रही है। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास स्लोप भी आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। और जो पॉइंट है, जिस पॉइंट की बात करूँ, x1, y1, यानी कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, वो पॉइंट क्या है, x1, y1 ही तो है, क्योंकि ये टेंजेंट क्या हो रहा है, इन्हीं x1 y1 से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या कर रहा है, x एक्सिस में इंक्लाइंड भी है, ठीक है, x एक्सिस में इंक्लाइंड भी है, यानी कि क्या देगा, ये स्लोप देगा, ठीक है। यहाँ से हमारे इसका क्या पता चलेगा, स्लोप पता चलेगा। उस स्लोप को कैसे निकाला जाता है वो देखते हैं, ठीक है। इक्वेशन क्या होगी इस स्ट्रेट लाइन की, ये जो टेंजेंट की जा रही है, y-y1, क्योंकि मैंने पॉइंट भी क्या माने, x1 y1 ही माने,
और मैं लेट क्या करता हूँ, सपोज दैट थोड़ी देर के लिए इसका स्लोप m1 कंसीडर करता हूँ, इस टेंजेंट का, ठीक है, क्योंकि हमें इसका एंगल वगैरह कुछ नहीं पता है, ठीक है। एंगल नहीं पता है तो किस तरीके से निकालेंगे वो देखते हैं, और ना ही हमें क्या है दो कोऑर्डिनेट पता है। मैंने दो तरीके बताए थे ना m निकालने के, एक टेन थीटा और एक m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये दूसरा तरीका तब जब हमारे पास क्या है दो कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे हमारे पास दो कोऑर्डिनेट भी नहीं है, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट है जहाँ से टेंजेंट पास कर रहा है, टेंजेंट लाइन पास कर रही है। तो इसके लिए सपोज दैट अभी क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं m1 होगा स्लोप और x माइनस x1 तो एज इट इज़ रहने ही वाला है, ठीक है। तो अब हमें किसकी ज़रूरत है, ये m1 फाइंड करने की है, ठीक है, m1 फाइंड करने की। तो m1 कैसे फाइंड किया जाता है, ये दो तरीके तो हो गए किसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, यानी कि जब हमारे पास क्या पॉइंट वगैरह गिवन है, एंगल गिवन है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाता है डिफरेंशिएशन के केस में, अगर मैं इस कर्व को, ये जो y इक्वल्स टू fx है, इस कर्व को क्या कर दूँ, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूँ, और उसी पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है x1 y1, इस पॉइंट पे उसकी वैल्यू निकालूँ dy/dx की एट दिस पॉइंट, तो वो क्या दे देगा मुझे, स्लोप दे देगा। ध्यान से सुनना, m1 क्या दे देगा, dy/dx निकालूंगा, इस कर्व का क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा, और इसी पॉइंट पे जो पॉइंट हमें गिवन है x1 y1 इस पे क्या करूंगा, इसकी वैल्यू निकालूंगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इस कर्व का यानी इस टेंजेंट लाइन का क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लाइन होता क्या है, फिर y-y1 इज इक्वल्स टू dy/dx, यानी डिफरेंशिएट करा हमने किसको, कर्व को डिफरेंशिएट करा एट पॉइंट कहाँ पे, x1, y1 जो कोऑर्डिनेट हमें गिवन थे, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा x-x1। ये कंप्लीट क्या कहलाएगी, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट कहलाएगी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लाइन। तो हमने इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लाइन निकालना सीख लिया, किस तरीके से निकाला हमने, क्या करा, जो क्लास 11th में हमारे पास जो इक्वेशन पढ़ी थी हमने, गिवन स्ट्रेट लाइन से इक्वेशन निकालना, उसी का हमने यूज़ करा। बस फर्क इतना था, यहाँ पे जो स्लोप निकलता है वो किस तरीके से निकलता है, हम कर्व को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसी पॉइंट पे जहाँ से टेंजेंट पास कर रहा है, ठीक है, टेंजेंट पास कर रहा है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा, और ये क्या कहलाएगी, हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहलाएगी, टेंजेंट लाइन, ठीक है। टेंजेंट कुछ नहीं है, एक लाइन ही है। और एक बात का ध्यान रहे, ये जो टेंजेंट जहाँ से पास हो रहा है, जिस पॉइंट से पास हो रहा है, उसी पॉइंट से क्या हो रहा है, कर्व भी पास हो रहा है, ठीक है। x1 y1 से क्या हो रहा है, टेंजेंट भी पास हो रहा है और कर्व भी पास हो रहा है। तो इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लाइन क्या होती है हमने देख लिया, और किस तरीके से निकाली जाती है वो भी देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं, इसका एक क्वेश्चन लेते हैं सीधे, जिसमें हमें क्या निकालना होगा, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी, तो उससे और बेटर समझ में आएगा। तो तब तक इसे नोट करें, एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें क्या करना है, इस कर्व के लिए क्या निकालनी है, टेंजेंट निकालनी है, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट निकालना है इस कर्व के लिए एट कोऑर्डिनेट पॉइंट कहाँ पे, x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 1 पे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लिख लेते हैं, क्या होती है, y-y1 इज इक्वल्स टू dy/dx एट कहाँ पे, x1, y1 x-x1। ये क्या होती है, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट होती है। तो इस कर्व के लिए क्या रहेगी इक्वेशन, वो निकालते हैं। तो सबसे पहले तो स्लोप निकाल लेते हैं, ठीक है, यानी कि dy/dx, ये क्या है, स्लोप ही तो है, dy/dx एट x1, y1 इज इक्वल्स टू, देखते हैं कितना आएगा, dy/dx करेंगे हो जाएगा हमारे पास 3x2। अब इस 3x2 में हमें क्या रखने पड़ेंगे, पॉइंट्स रखने पड़ेंगे जो क्या है, 1, 1, ठीक है। अब इस फंक्शन में जो 3x2 का फंक्शन है, यहाँ पे y तो है नहीं, तो y की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, यानी y=1 हमें पुट करना है नहीं, तो सिर्फ क्या पढ़ेंगे, क्या पुट करेंगे, 1, 1 पुट करेंगे। वैसे 1, 1 पुट करना है तो सिर्फ x चाहिए हमें, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि स्लोप क्या है, इस टेंजेंट का 3 आया है, तो इस इक्वेशन में पुट करते हैं y-y1 कितना है हमारे पास, 1 है, ठीक है, इज इक्वल्स टू स्लोप कितना है, dy/dx, ये पूरे की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है, x-x1 कितना है, वो भी हमारे पास कितना है, 1 है। अब इसे जस्ट सॉल्व करना है, y-1 इज इक्वल्स टू 3x-3, 3x-y-2 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लाइन हो जाएगी, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल देखते हैं, उसके लिए भी हम क्या बनाते हैं, कर्व बनाते हैं, और टेंजेंट और नॉर्मल हमें क्या करने पड़ेंगे, ड्रॉ करने पड़ेंगे।
तो ये हो गया हमारे पास क्या, टेंजेंट हो गया किसी पॉइंट पे एक्स वन वाई वन है, उसे लेट करेंगे अभी। और इसी पॉइंट से जहाँ से क्या हो रहा है टेंजेंट पास कर रहा है, इसी पॉइंट से क्या करेगी नॉर्मल भी पास करेगी और परपेंडिकुलर रहेगी किसके, टेंजेंट के परपेंडिकुलर रहेगी, ठीक है। और ये सपोज दैट ये पॉइंट क्या मान लेते हैं हम, एक्स वन कॉमा वाई वन मान लेते हैं, ठीक हो गया। तो हमें क्या करनी है, ये जो नॉर्मल लाइन जा रही है ये भी तो एक लाइन है, ठीक है, नॉर्मल भी क्या है एक लाइन ही है, उसकी हमें क्या करनी है इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए भी हम कौन सा फॉर्म वो अप्लाई करेंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, यही इक्वेशन का हम क्या करने वाले हैं, इस नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए यूज करने वाले हैं, ठीक है, इसी इक्वेशन का यूज होगा। तो अब हमें क्या है, इस टेंजेंट की क्या है स्लोप पता हुआ है, ठीक है, इस टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं, एम वन इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट कहाँ पे, एक्स वन कॉमा वाई वन पे। अभी ये भी सीखा पिछली वाली इक्वेशन में, इसी तरीके से तो स्लोप निकालते हैं, क्या कर दें इस कर्व का हमें क्या पता होगा, फंक्शन पता होगा, उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसी पॉइंट पे, तो टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। तो उसको मैंने किससे डिनोट कर दिया, एम वन से डिनोट कर दिया, ठीक है। और सपोज दैट ये जो इक्वेशन है ये एम टू कर देते हैं, ये किसके लिए, नॉर्मल के लिए, ठीक है, क्योंकि ये और ये चीज़ तो हमें पता है, बस M2 नहीं पता किसके लिए, नॉर्मल के लिए, इस नॉर्मल का स्लोप कितना होगा वो नहीं पता है, ठीक है। उसको हमने लेट क्या कर दिया, M2 कर दिया, x1 y1 तो हमें पता ही होंगे, ठीक है, यानी जहाँ से पास हो रहा है और टेंजेंट वो तो हमें पता ही है। और टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं, उसको हमने M1 से डिनोट कर दिया। अगर हमारे पास क्या है, फंक्शन गिवन है, फंक्शन गिवन ही होती है, उसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसी पॉइंट पे जहां से टेंजेंट पास हो रहा है वहां से क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स की, तो वो क्या दे देगा, स्लोप दे देगा टेंजेंट का। अब देखिए स्लोप मिल गया हमें किसका, टेंजेंट का, और स्लोप निकालना है किसका, नॉर्मल का। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, कौन सी कंडीशन यूज होगी, एम वन एम टू इज इक्वल्स टू माइनस वन वाली, क्यों, क्योंकि मैंने अभी बोला क्या नॉर्मल क्या होगी, परपेंडिकुलर रहेगी किसके, टेंजेंट के। तो टेंजेंट का स्लोप और नॉर्मल के स्लोप का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू कितना होगा, माइनस वन होगा। ये हमने क्लास 11 में पढ़ा है और अभी वीडियो शुरू करने से पहले भी हमने क्या करा था, इसका रिवाइज किया हुआ था, ठीक है। तो अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर है उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, इज इक्वल्स टू माइनस वन होता है। यहाँ पर भी दो लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इनका स्लोप भी क्या होगा, माइनस वन होगा, ठीक है, प्रोडक्ट माइनस वन होगा। एम वन हमें पता है इस तरीके से निकालते हैं, एम टू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस वन अपॉन, ये कम्प्लीटली नीचे चले जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स एट पॉइंट कहाँ पे, एक्स वन कॉमा वाई वन। तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इसी टेंजेंट के स्लोप का यूज़ करके नॉर्मल का स्लोप भी निकाल सकते हैं और फिर उसकी इक्वेशन भी आ जाएगी। इक्वेशन क्या होगी, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम टू कितना निकला है, माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एक्स वन कॉमा वाई वन एट पॉइंट एक्स वन वाई वन, और एक्स माइनस एक्स वन क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा। ये क्या आएगी हमारे पास, इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल निकल के आई है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल निकल के आई है। इसे हम क्या करते हैं, सीधे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं और वहाँ पे देखते हैं इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल किस तरीके से निकाली जाती है। तो इसे क्या करें, नोट करें, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन। तो दोबारा से वही कब लेते हैं, वाई इजगस टू एक्स क्यूब एट एक्स इजगस टू वन वाई वन। तो इसका भी पिछले बार हमने क्या निकाला, टेंजेंट निकाला था, अब इसका इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल निकालते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल के लिए सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, वाई माइनस वाई वन इजगस टू माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 वन कॉमा वाई वन, यानी कि जो पॉइंट हमें क्या है गिवन है, देन x माइनस एक्स वन, ये क्या होती है, इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल लाइन होती है, ठीक हो गया। अब इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल लाइन के लिए x1 y1 तो है हमारे पास, ठीक है, वन और वन है, हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, ये कंप्लीट स्लोप निकालना है, ठीक हो गया। तो इसको मैं क्या करता हूँ, m से डिनोट कर देता हूँ, इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे एट x1 y1। तो डी वाई बाई डी एक्स वाई इज इक्वल्स टू कितना है, एक्स स्क्वायर है हमारे पास, एक्स क्यूब है, ठीक है, एक्स क्यूब है, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे कितना हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर, और एट एक्स वन वाई वन यानी कि वन कॉमा वन पे इसकी वैल्यू निकालेंगे कितनी होगी, थ्री ही मिलेगी, ठीक है। तो यानी कि इस जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, थ्री आ रही है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे कितना हो गया, यानी कि इस नॉर्मल का स्लोप कितना हो गया, माइनस वन अपॉन थ्री आया, ठीक है, माइनस वन अपॉन थ्री। अब इसे पुट करेंगे, वाई माइनस वाई वन वन इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन थ्री। अब इस बात से कन्फ्यूज मत करना, यहाँ पे माइनस वन आया, यहाँ पे माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये कंप्लीट उठा के हमने यहाँ पे रख दिया था,
ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स कंप्लीट उठा के रखा है, तो ये कंप्लीट दोबारा से यहाँ रखेंगे तो माइनस ही रहने वाला है। ठीक है, माइनस वन अपॉन थ्री मल्टीप्लीकेशन एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वन है, तो ये हो गया वन। इसे जस्ट सॉल्व करेंगे, थ्री को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, थ्री वाई माइनस थ्री इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस वन, एक्स उधर प्लस में आ जाएगा, एक्स प्लस थ्री वाई माइनस माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर इज इक्वल्स टू जीरो। ये क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल लाइन आएगी इस कर्व के लिए एट पॉइंट कहाँ पे, एक्स वन वाई वन। ठीक है, तो इस तरीके से क्या किया जाता है, इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल की जाती है। ठीक है, और इसमें सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन नहीं है, यानी कि सिर्फ हमें इक्वेशन निकालनी, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे हम एनसीईआरटी के। ठीक है, तो अभी शुरू में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर वन एंड टू लेके चलते हैं इसी एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज 6.3 के। उसके बाद अगली वीडियो में इसके बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे जो एनसीईआरटी में। तो एक्सरसाइज 6.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन वन कह रहा है, सॉल्यूशन वन, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू 3x की पावर 4 माइनस 4x एट x इज इक्वल्स टू कहाँ पे 4। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है ये कि एक कर्व गिवन है हमें। ठीक है, एक कर्व गिवन है तो इस पर कोई ना कोई टेंजेंट होगा एट पॉइंट कहाँ पे, x इज इक्वल्स टू 4 पे। x इज इक्वल्स टू 4 कहने का मतलब ये नहीं है कि y क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 4 का मतलब 0 आ जाएगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, तभी हमारे पास क्या आएगा, y आएगा, तभी हमें कंप्लीट पता चलेगा कि किस कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, यानी किस पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, बट जहाँ तक है इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें y कोऑर्डिनेट भी चेक करना पड़े। जस्ट मैंने बता दिया है कि y इसका मतलब ये नहीं है कि 0 होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इस 4 को यहाँ पुट करना पड़ेगा, 4 की पावर 4 करके सॉल्व करके y हमें हमारे पास निकलेगा। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या निकालना है, टेंजेंट निकालना है। बट हमें यहाँ पे क्या है, इक्वेशन नहीं पूछी हुई है। ठीक है, इक्वेशन नहीं पूछी हुई है, और इक्वेशन ऑफ क्या होती है, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू स्लोप डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन देन एक्स माइनस एक्स वन होता है। ये क्या होता है हमारे पास, टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए होता है। बट हमसे क्या पूछा है, सिर्फ स्लोप निकालना है, या कि यानी कि सिर्फ ये चीज़ निकालनी है, डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट एक्स वन और वाई वन निकालना है। ठीक है, तो ये निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल्स टू 3x की पावर 4 माइनस 4x होगा, तो इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4x की पावर 4x का डिफ्रेंशिएट करेंगे, 4 आ गया आ जाएगा, 4 थ्री जो 12 एक्स क्यूब माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो डिफ्रेंशिएट करके निकालना है, किस पॉइंट पे निकालना है, एट एक्स इजिकल्स टू 4। और इसलिए मैंने बोला था कि y की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो डी वाई बाई डी एक्स करके निकलेगा, सिर्फ क्या निकल रहा है, x के रिस्पेक्ट में निकल रहा है। ठीक है, तो x इजिकल्स टू 4 रख के भी हमारा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से हमारा क्या था, y निकालने की ज़रूरत नहीं थी। अभी y निकाल के भी देखेंगे जो पॉइंट निकलेगा इसका, तो 12 मल्टीप्लाई 4 4 जै 16 4 जै 64 माइनस 4 देन 64 और 12 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 8 12 4 768 माइनस 4 इज इक्वल्स टू कितना होगा 764। ये क्या निकलेगा, इसका स्लोप निकलेगा, इस टेंजेंट का स्लोप निकलेगा एट पॉइंट कहाँ पे, एट एक्स इज इक्वल्स टू 4 पे। अगर हमें सपोज दैट इक्वेशन निकालनी होती, ये जो इक्वेशन निकालनी होती, एक्स वन तो हमारे पास था, ठीक है, मैं जस्ट बता रहा हूँ, एक्स वन हमारे पास था कितना, 4 था, ये वाई वन कहाँ से आता है, ये वाई वन वहीं से आता है, मैंने क्या करना था, 4 यहाँ पे पुट कर देना था, वाई इज इक्वल्स टू कितना होगा, 3 इंटू 4 4 जै 16, 4 की पावर 4, 4 4 जै 16, 4 जै 60, 4 4 जै 256 होता है। ठीक है, 256 माइनस कितना होगा, 4 से किसको करेंगे हम, 4 से ही करना पड़ेगा, 4 4 जै 16, इसको हम सॉल्व करते तब हमारे पास क्या आ जाता, y कोऑर्डिनेट आ जाता। ठीक है, y कोऑर्डिनेट आ जाता, x कोऑर्डिनेट पता है, तो यानी कि किस पे निकालना होता, 4 कॉमा इस y कोऑर्डिनेट पे हमें क्या निकालनी होती, इक्वेशन निकालनी थी। बट हमसे सिर्फ क्या पूछा है, स्लोप निकालने के लिए पूछा है, टेंजेंट का, और टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं हमें पता है, y यानी कि जो भी कर्व गिवन होगा उसको क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे एट दैट पॉइंट, गिवन पॉइंट जहाँ से क्या कर रहा है, टेंजेंट पास हो रहा है। ठीक है, वही हमने किया, और हमारा स्लोप कितना निकल के आ रहा है, 764। इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू इतना, जहाँ पे x 2 के इक्वल नहीं हो सकता, अगर x 2 के इक्वल हो जाएगा तो
फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, एट एक्स इज इक्वल टू 10 बोल रहे हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे भी क्या करना है, टेंजेंट ही निकालना है जैसे पिछला क्वेश्चन किया था। वाई इज इक्वल टू कितना गिवन है हमारे पास, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू गिवन है, एट एक्स इज इक्वल टू किस पे निकालना है, 10 पे निकालना है। अगर मुझे इसका वाई कोऑर्डिनेट निकालना है ना, वैसे वाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर वाई कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो क्या करेंगे, वाई इज इक्वल टू 10 माइनस वन, इस फंक्शन में 10 रख देंगे, 10 माइनस टू तो ये आ जाएगा 9/8 आएगा, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट, यानी ये टच कहाँ पे कर रहा है, ये जो टेंजेंट बनेगा वाई एक्सिस पे, सॉरी ये जो टेंजेंट बनेगा वाई कर्व पे, इस कर्व पे वो किस कोऑर्डिनेट पे बनेगा, 10.9/8 पे बनेगा। बट हमें वाई की जहाँ तक है ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें सिर्फ क्या निकालना है, टेंजेंट निकालना है, स्लोप निकालना है, स्लोप। तो क्या करेंगे, dy by dx करेंगे, dy by dx इज इक्वल टू, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। क्वेश्चन रूल लगाते हैं, x माइनस टू का होल स्क्वायर, x माइनस वन का पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, x का 1 हो जाएगा, माइनस वन का 0 हो जाएगा, तो 1 ही रहेगा, मल्टीप्लाई x माइनस टू एज इट इज रहेगा, माइनस x माइनस वन इस बार एज इट इज रहेगा, x माइनस टू का करेंगे वो भी कितना हो जाएगा, 1 ही मिलेगा। इसके बाद x माइनस टू माइनस एक्स माइनस माइनस का प्लस 1 हो जाएगा, अपॉन x माइनस टू का होल स्क्वायर, x से x कैंसिल, माइनस टू प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन x माइनस टू का होल स्क्वायर। ये क्या है, हमारा डिफ्रेंशिएट आया dy by dx, ठीक है, सब डिफ्रेंशिएशन आया। हमें अगर स्लोप निकालना है किस पॉइंट पे, पॉइंट पे निकालना पड़ेगा ना, यानी कि 10.9/8 पे, 10.9/8। और अब जैसा मैंने बोला, वाई कोऑर्डिनेट की वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट हमने निकाल के देख लिया, क्योंकि जो dy by dx आ रहा है वो क्या आ रहा है, x के रिस्पेक्ट में ही आ रहा है। तो यहाँ पे हम जब माइनस वन अपॉन क्या करेंगे, 10 रखेंगे, x कितना है, 10 है, 10 माइनस टू का कितना होगा, होल स्क्वायर, देन माइनस वन अपॉन 10 माइनस टू 8, 8 जा 64, यानी कि माइनस वन अपॉन 64 इसके लिए क्या आएगा, स्लोप आएगा इस टेंजेंट के लिए, इस कर्व पे, एट किस पे, इस पॉइंट पे, 10.9/8 पे, ठीक है। तो इसके बाद जितने क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे अगली वीडियो में, एक्सरसाइज 6.3 के।